पहले देखिए इसमें हमने क्या किया, डेट का फॉर्मूला लगाया जिसमें से ईयर हमने इससे ले लिया, ठीक है जी, मंथ हमने फिर इससे ले लिया, ईयर मंथ हम यहां से उठा रहे, ये ले लिया, ठीक है जी। अगर एक करूं तो क्या आता है, जो भी डेट सामने पड़ी होगी उसकी पहली तारीख आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी, जो भी डेट सामने पड़ी होगी उसकी पहली तारीख आ जाएगी। मान लीजिए इससे एक्सीड कर रहा है ये, आगे तक गया, ठीक है जी, मंथ चेंजिंग हुई, और इसी फॉर्मूले को मैं डाउन तक करूं तो हर महीने की पहली तारीख आ रही है, ठीक है जी। अब मुझे यहां क्या चाहिए, हर महीने की 14 तारीख चाहिए पहली चीज तो मुझे, ठीक है जी। तो हर महीने की 14 तारीख के लिए मैं क्या लगा दूंगा, 14 ही लगा दूंगा सीधा सीधा, ठीक है जी। बेसिकली ईयर और मंथ मैंने वहां से लिया है और मैंने कहा उस महीने की मुझे 14 तारीख दे दे, बस मेरा काम हो जाएगा बस, ठीक है जी। 14 तारीख दे दी उसने मुझे हर महीने की। अब इस डेट में से क्या घटाएं कि मेरा सेकंड सैटरडे आ जाए, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि एक तारीख को क्या था, 14 तारीख है, एक तारीख को मैंने सिर्फ एक ही तारीख को चेक करना है। यहां पे मैंने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, जब भी मुझे जानना है कि उस तारीख को क्या था तो वीकडे मैंने इससे जान लिया, इसने दिया 7 मुझे, यानी कि सैटरडे था, ठीक है जी। 1 नवंबर 14 को देखेंगे सैटरडे था, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। यहां पे मैंने सिंपल 14 तारीख ली है और यहां पे मैंने ये जाना कि पहली तारीख को क्या था। अब पहली तारीख को शनिवार था तो इसमें से मुझे अगर मैं इस डेट में से वो वीकडे माइनस कर दूंगा तो मुझे सेकंड सैटरडे का पता पड़ जाएगा। कैसे, ये माइनस जो भी उस महीने का पहला होगा, सेकंड सैटरडे बेसिकली नहीं पता पड़ेगा उस दिन हमें, क्योंकि हमने पूरा दिन ही माइनस कर दिया, 7 के 7 उड़ा दिए, तो वो दिन से एक दिन पीछे चला गया ये, तो इसके लिए इन्होंने +1 करा है, ठीक है जी। तो ये एग्जैक्टली आपकी डेट होगी। इसमें क्या करते हैं कि अब ड्रैग करता तो बदलता, इसके लिए इसकी डेट को वैसा ही रहने के लिए, एक तारीख ही रहने के लिए डेट का फॉर्मूला इन्होंने यूज किया यहां पे वीकडे में। एक हमने एक्सेस की है महीने की पहली तारीख और एक एक्सेस की है महीने की 14वीं तारीख, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया जिसमें डेट फॉर्मूला में मैंने लास्ट में 1 ही दिया है, मतलब यहां से ईयर मंथ उठाएगा और पहली तारीख दिखाएगा, ठीक है जी। अब ये बता रहा है कि जो नवंबर में जो था पहली तारीख को शनिवार था, दिसंबर में पहली तारीख को मंडे था, मंडे होगा, अगर हम दिसंबर में देखें तो पहली तारीख को मंडे आ रहा है, ठीक है जी। संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ये दिखा रहा है। अब मंडे पे ही आ जाते हैं, मान लीजिए मंडे है, अब 14 तारीख को अपना क्या था, टेक्स्ट 14 तारीख को क्या होगा, यहां से डीडीटी करके मैंने जान लिया ये संडे है, ठीक है जी। 14 तारीख को एक्चुअली संडे है और इसमें से ये 2 माइनस कर देते हैं हम तो देखिए क्या आता है। हफ्ता जिससे शुरू हो रहा है वही माइनस कर लिया, तो अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। फ्राइडे, तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसमें +1 किया था क्योंकि मैंने बताया एक दिन पीछे देगा, ठीक है जी। तो ये है आपका सेकंड सैटरडे का जो था रूल। अब समझ आया नहीं आया?
हाँ जी सर, अभी भी पार गुजरा है। अगर मुझे एक चीज समझ नहीं इसमें आई क्या, देखिए हाँ मुझे हम लोगों ने सेकंड सी में फॉर्मूला लगाया है कि 7 आ गया। हाँ मैं ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहता था कि लेट्स सपोज अगर जिस डेट के सामने, जो डेट सामने बन रही है सेकंड वीक या फर्स्ट वीक, उसके आगे सेकंड या फर्स्ट आ जाए, वो आ अगर उसके जाएगा, आगे सैटरडे आए। वो आ जाएगा, और उसके लिए पहले आपको बेसिक फार्मूला क्लियर होना चाहिए कि कैसे आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे तो सही दिखा रहा है ना रिजल्ट कि 8 नवंबर को आएगा। अब उस डेट के आगे चेक करना है हमने। अब इसको उठा के, ये फॉर्मूले को उठा के इसमें डाल देता हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है जी, या ना भी लगाऊं, खाली मैं इसको ही एक्सेस कर लेता हूँ। अगर इफ ये जो है बराबर है इसके, तो क्या करें, डेट दिखा दें, अदरवाइज ब्लैंक रखें। बन गया सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है जी, इसको भी नीचे तक कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि बाकी सारा कॉपी नहीं है, इस कारण से अजीब दिखा रहा है। यहां था, और ये पूरा ले गया था। ठीक है जी, तो यहाँ 8 नवंबर दिखा रहा है, सेकेंड सैटरडे जब है, फिर अगला 13 दिसंबर को सेकेंड सैटरडे आ गया, 10 जनवरी को आ गया सेकेंड सैटरडे, 14 फरवरी को सेकेंड सैटरडे, 14 मार्च को सेकेंड सैटरडे, 11 अप्रैल को सेकेंड सैटरडे। ठीक है जी, ये सेकेंड सैटरडे निकाला हमने। अब मान लीजिए मुझे निकालना है फर्स्ट सैटरडे का था, तो क्या करूंगा मैं, जहां मैंने 14 तारीख एक्सेस कराई है वहां मैं 7 तारीख एक्सेस करा दूंगा। ठीक है जी, अब सही आ गया। पहला शनिवार अपना 1 नवंबर को था, पहला शनिवार अपना 6 दिसंबर को था। ठीक है जी, मान लीजिए मुझे पहला दूसरा सोमवार निकालना है, तो जहां मैंने ये 7 डाला है, दूसरे सोमवार का मतलब है 1 2, दो हाँ 2 तारीख होती है ना, तो 2 अगर मैं यहां डालूंगा तो मेरा पहला सोमवार एक्सेस करेगा, तो 7 मेरा शनिवार है, संडे 8, 9 दूसरा मंडे, 9 डाल दूंगा तो पहला मंडे आ जाएगा। ये आ गया 3 नवंबर, चेक करना है तो यहां से देख सकते हैं, 3 नवंबर को, अच्छा 9 डाला मैंने, यहां कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, नौ सात, ये गड़बड़ क्यों दिखा रहा है, नवंबर 3 को पहला सोमवार कर दिया इसने काउंटर, और यहां क्या किया मैंने, पहली तारीख ली। अच्छा तो ये डिवाइड कर देगा, वीक डे पहले का दिखा दिया 7, 7 में से 2 माइनस किया इसने, फिर इसने क्या किया, V4 माइनस C4 प्लस 1 वीक डे। अच्छा एक बार वो देखते हैं, हम 14 दे रहा है तो 21 पे सही आ रहा है, फिर इसके लिए दूसरा लॉजिक बनेगा, 21 पे सही आएगा मेरे ख्याल, 15 नवंबर तीसरा शनिवार। ठीक है जी, चौथा 28, चौथा पड़ेगा ये 22 तारीख को, यहां चौथा देखेंगे 22 तारीख को। ठीक है जी, ये 27 तारीख को है, अगला 27 दिसंबर।
सर सेकंड सेकंड मंडे करना हो। हाँ उसके लिए थोड़ा सा अरेंज भी करना पड़ेगा मुझे लगता है। इसमें यहाँ पे सेकंड मंडे के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से पहला वाला माइनस कर दे रहा हूँ तो पहले पे चला जा रहा है। पहला मंडे, पहला सर संडे। अगर वन की जगह हम लोग टू डालें, अगर यहाँ अगर वीक डे के अंदर वन की जगह टू डालें अगर हम लोग, टू डालते हैं और यहाँ पे हम नौ डाल देते हैं, नौ डाल देते हैं, नौ नवंबर। पर टू का रीजन भी तो होना चाहिए, क्यों टू डाल रहे हैं, सेकेंड डेट ही क्यों एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, सेवन सेवन शनिवार के लिए। ओके अच्छा, ये उस तारीख को एक्सेस कर देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। आपने सही कहा कि अब मुझे दूसरा अगर बुधवार चाहिए तो यहाँ पे मुझे तीन डालना पड़ेगा। बिल्कुल यस है ना, और यहाँ पे मुझे 10 डालना पड़ेगा दूसरा बुधवार। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे जो आएगा उस हफ्ते का पहला दिन आएगा, उस हफ्ते का वो वाला दिन, और फिर यहाँ पे जो डेट का सीक्वेंस आएगा जो कि सिस्टमेटिकली होना चाहिए। ठीक है जी, आपको तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब तकरीबन काम तकरीबन चलेगा इंशाल्लाह। काम नहीं चलेगा सर। अब मान लीजिए दूसरा हमें चाहिए बुधवार के बाद वीरवार 11, और यहां पे वीरवार के लिए कौन सा हमारा यूज होता है, चार। चार ठीक है जी, ये किया मैंने पूरा। वीरवार के लिए, वीरवार के लिए 11 ही लगेगा अपना, पर इसमें कुछ और दिखा रहा है। चलिए, हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला बनता है, तीसरा दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा आरएनडी करके निकल जाएगा वैसे आप करेंगे तो। अगर मैं इसकी जगह 5 डालू तो एक पीछे जा रहा है, तीन डालू तो बुधवार है, अब सही दिखा रहा है। 10 तारीख को पहला सोमवार, थोड़ा घूमा हुआ है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म में बनेगा। चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो लगा ही रहेगा। इसमें एक और तरीके से भी होता है, ये थोड़ा सा आपको एरर सा दिखा रहा है, पर एक और फॉर्मूला है जो इसमें आपको सही रिजल्ट देता है। उसमें हम वो देखते हैं मैथमेटिक फॉर्मूला के अंदर। ठीक है जी, दो तरह के फॉर्मूले हैं, दूसरा वाला आपने छोड़ दिया होगा जो कि देखा होगा, फ्लोर का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो पहले मैथ के फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूं। देखिए, आपके पास कुछ नंबर है, मान लीजिए कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में है। ठीक है जी, अगर आपको सारे प्लस में चाहिए तो एबीएस का फॉर्मूला है। एबीएस का फॉर्मूला क्या करता है, प्लस को तो माइनस में बदल देता है, और नहीं, माइनस को प्लस में बदल देता है, बाकी प्लस को प्लस में रहने देता है। एब्सोल्यूट इसका मतलब होता है। देन हमारे पास है सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग फ्लोर क्या हो गए अपना, जैसे सीलिंग कहते हैं छत को, फ्लोर कहते हैं फर्श को। ठीक है जी, तो सीलिंग क्या करता है, कैपिंग लगानी है मान लीजिए आपने। ठीक है जी, मान लीजिए एक 10 मंजिला इमारत है या 20 मंजिला है, आपको हर एक के अंदर पांच पांच बंदे रखने हैं या सात सात बंदे रखने हैं, सात सात रखने हैं मान लीजिए।
ठीक है जी, तो वो कौन से खाने में आएंगे, मतलब कितने फ्लोर पे आएंगे, वो सब निकालने के लिए इसको किया जाता है कि कितने ऑक्यूपाइड होंगे। पहला हम सीलिंग में सिलेक्ट करेंगे नंबर और सिग्निफिकेंस में दे देंगे जो जो कि हमारी कैपिंग होगी। ठीक है जी, अब बंदे बेशक कम हो पर वो रूम जो बुक हो रहा है वो तो 7 बंदों के लिए हो रहा है ना, तो इस हिसाब से दिखाएगा ये कि यहाँ पे आपके इनमें से कोई भी नंबर है तो 7 ऑक्यूपाइड है। ठीक है जी, इनमें से कोई नंबर है 8 से 14 तक तो 14 ऑक्यूपाइड है, और बाकी आपका 15 से 21 तक कुछ भी है तो 21 ऑक्यूपाइड है। ठीक है जी, एग्जैक्ट कितने रूम ऑक्यूपाइड है निकालने के लिए उसी सिग्निफिकेंस से इसको डिवाइड कर दीजिए कि अगर 4 बंदे आ गए मेरे पास तो 1 रूम ऑक्यूपाइड हो गया मेरा। ठीक है जी, 18 बंदे आ गए तो 3 रूम ऑक्यूपाइड हो गए। ठीक है जी, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक पैकेट है जिसमें सात 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 पीसेस हमें रखने हैं, किसी चीज के सात सात पीस रखने हैं एक एक पैकेट में। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास 16 16 पीसेस हैं तो कितने पैकेट लगेंगे, बता रहा है 3 पैकेट लगेंगे। ठीक है जी, बेशक कम रह जाए। इसी तरह से फ्लोर इसका भाई है पर ये नीचे होके चलता है, सीलिंग क्या करता है पहले ही कवर कर देता है, मान लेता है 1 फुल है। फ्लोर क्या करता है, जब तक फुल नहीं होता तब तक फ्लोर फुल नहीं काउंट करता है, सिग्निफिकेंस देते हैं। तो जब तक 7 नहीं होगा ये पूरा 7 काउंट करेगा ही नहीं। ठीक है जी, इसने यहां पे 7 काउंट कर लिया था, ये होने के बाद करता है, 7 जब आ गया पूरा तब करता है। मान लीजिए हम इसमें कहते हैं कि कितने रूम फुल हो गए। ठीक है जी, अभी तक 6 बंदों तक एक भी रूम फुल नहीं हुआ है, जैसे ही 7 आ गए 1 रूम फुल हो गया। इस पे आ गए 18 बंदे आ गए तो कितने रूम फुल हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं फुल, खाली से कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, सीलिंग फ्लोर एक कदम आगे चलता है फ्लोर आपका। इसके बाद है आपका कॉमिन का फंक्शन है। तो मान लीजिए आपके पास 5 बंदे हैं और आप उनका ग्रुप बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि तीन तीन का ग्रुप, कितने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन जाएंगे तीन तीन के, 5 बंदे हैं उनको एक ग्रुप में डिवाइड करना है। तो कॉमबिन का फंक्शन है, ये मैथ के फंक्शन है, कोई भी फंक्शन कहीं भी यूज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए स्पेसिफाइड टास्क हो, ये बस आपकी फॉर्मूला नॉलेज के लिए। तो ये कह रहा है कि 10 ग्रुप बनेंगे, इसी जगह मैं कहता हूं कि चार चार के ग्रुप बना रहे हैं तो ये कहता है 5 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनेंगे। कैसे बनेंगे दिखाता हूं। मान लीजिए यहां आपके पास, मैं 5 नाम ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये 5 बंदे थे और चार चार के ग्रुप बनाने थे, तो पहला ग्रुप हो गया मेरा ये वाला। ठीक है जी, दूसरा ग्रुप हो गया मेरा ये वाला, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक बंदा ही स्विच कर रहे हैं। तीसरा ग्रुप हो गया मेरा ये वाला, चौथा ग्रुप हो गया मेरा ये वाला, और पांचवा ग्रुप हो गया मेरा, और इससे ज्यादा ग्रुप नहीं बन सकते। ठीक है जी, तो कॉम्बिन जो है इसी तरह के कॉम्बिनेशन ट्रैक करता है कि कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मान लीजिए लॉक कंपनी में आप काम करते हैं, कहते हैं अगर हम 5 डिजिट का कोड बनाए और दो दो के डिजिट के अलग अलग करते हैं तो कितने हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोड बना सकते हैं, तो ये बता देगा आपको कि इतने तरह के। मान लीजिए दो दो के कोड बनाते हैं तो 10 तरह के कोड आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके लिए होता है। देन आपके पास है, हमारे पास इनमें फॉर्मूला होता है, इवन और ऑड नंबर्स। ये क्या करेगा, नियरेस्ट इवन
और नियरेस्ट ऑड में कन्वर्ट कर देगा। जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है इससे, इस फॉर्मूला से, और इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ, तो ये दिखा रहा है 2, 4, 6, 8, 10, मतलब कि कोई रिजल्ट आपका फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है और आपको वो इवन नंबर्स में चाहिए। ठीक है, कुछ भी आ रहा है पर चाहिए इवन में, तो ये आपको इवन फुलफिल करके दे देगा नियरेस्ट इवन। इसी तरह से ऑड है, नियरेस्ट ऑड करके दे देगा, यानी 1, 3, 5, 7 करके। ठीक है जी, इवन ऑड। देन आपके पास होता है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल नंबर जैसे निकालते हैं। जैसे मैं 5 का फैक्टोरियल निकालता हूं, फैक्ट का फॉर्मूला है मेरे पास, नंबर देंगे ये फैक्टोरियल निकाल देगा 120। फैक्टोरियल कैसा होता है, कि आप 5, 4, 3, 2, 1 इनको क्या करें, सबको पहले मल्टीप्लाई कर लेगा। घटते क्रम में जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है जी, इसी तरह का अपने पास फॉर्मूला है फैक्ट डबल। वो क्या करता है, एक नंबर स्किप करके करता है। 15 आ रहा है, 15 कैसे आ रहा है, पहले इसने 5 लिया, एक स्किप कर दिया, 3 लिया, एक स्किप कर दिया, एक लिया, ऐसे 15 आ रहा है फैक्ट डबल। देन आपके पास होते हैं इसमें एलसीएम और जीसीडी के फॉर्मूले। एलसीएम निकाला है ना, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। ठीक है जी, जैसे 12 से 30 का एलसीएम निकालें नंबर एक और चूज कर लिए तो 60 आ रहा है, मतलब एलसीएम में मैक्सिमम ये 60 पे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है जी, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर इनका 60 है। इसी तरह से ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल जो होता है, कि 3 और 4 आपस में कहां डिवाइड होते हैं, तो जी सी डी का फॉर्मूला है, एक पे होते हैं। इसी तरह 12 और 6 का ले लेता हूं, 12 और 6 कहां चला गया फॉर्मूला, जीसीडी 12 तो 6 पे मल्टीप्लाई होते हैं, 18 दे देता हूं, 24 दे देता हूं, 12 पे मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बीच में अटका देता हूँ इनको, 18 और 24 6 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो सबसे बड़ा जो है इनको डिवाइड करने वाला 6 है। ठीक है जी, इसके बाद राउंड करते हैं हम लोग, राउंड करने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं, जैसे मैं कुछ राउंड के नंबर ले लेता हूं, ठीक है ये नंबर ले लिए, तो सबसे पहला हम फंक्शन यूज करते हैं राउंड का। राउंड के फंक्शन में क्या होता है, हम यहां से नंबर सिलेक्ट करते हैं और कितने डिजिट तक उसे राउंड करना है, तो 0 डिजिट का मतलब है सारे डेसिमल गायब हो जाएंगे, अगर 1 देंगे तो 1 डेसिमल रह जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने 1 भी डेसिमल नहीं सिलेक्ट किया, तो इसमें देखेंगे जो 5 से ऊपर की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, 13 आ गया, 12 का 13 बन गया, जो 0.5 से नीचे की वैल्यू है वो वही की वही रह जाएगी, 10 आ गया। ठीक है जी,
इसी तरह आपके पास होता है राउंड अप एंड राउंड डाउन। ठीक है जी, राउंड अप क्या करता है, वो पॉइंट पॉइंट फाइव का नहीं ख्याल रखेगा, जितना भी होगा उसको ये बढ़ा के दिखाएगा। ठीक है जी, पॉइंट वन भी है तो एक बढ़ा देगा। ठीक है जी, इसी तरह राउंड डाउन है, जो कितना भी कर ले आप बढ़ाएगा नहीं, चाहे नौ भी हो तो पंद्रह का पंद्रह ही रखेगा, पंद्रह पॉइंट नौ है तो पंद्रह का पंद्रह ही रखेगा। अब ये मोड राउंड अप हम यूज करते हैं जब हमने अगले अगले को जब हमें अगले से पैसा लेना हो, और राउंड डाउन जब करते हैं जब हमें किसी को देना हो। मोस्टली पेट्रोल पंप वाले करते हैं ना, पॉइंट थ्री सिक्स भी है तो एक रुपया आपसे फालतू ही ले लिया। ठीक है जी, राउंड डाउन की तरह हमारे पास है, राउंड डाउन का ही काम करता है इंट का फंक्शन। इंट का मतलब होता है इंटीजर, जो काम यही करता है, बट इसकी फंक्शनैलिटी ये नहीं है, काम तो ये भी यही करता है राउंड डाउन वाला। इसी तरह से आपके पास ट्रंक का फॉर्मूला है जो कि सेम यही चीज करता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें गई, इंट में कोई नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होती, ट्रंक में हो रही है, क्या करेगा ट्रंक कर देगा। देखिए राउंड वाले फंक्शन जो है स्पेसिफिकली राउंड करने के लिए डिजाइंड है। ठीक है जी, वो अंदर जाके इंजन में पॉइंट वाली वैल्यूज को देखते हैं और फिर उनको राउंड करते हैं, बट इंटीजर क्या करता है, ये डायरेक्टली ट्रंक कर देता है, ये डेसिमल वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता, इंटीजर डेसिमल वैल्यू कंटेन ही नहीं कर सकता, कोई भी डेसिमल पकड़ाएंगे तो डेसिमल छोड़ देगा, वो कैच ही नहीं करता। ट्रंक क्या करता है, ट्रंक आप जबरदस्ती छुड़वा देते हैं इससे, छोड़ दो ट्रंक कर दो, मतलब लो ही मत इसको। ट्रंकेट कीवर्ड होता है ना एसक्यूएल वगैरह में आपका होता है ट्रंकेट कीवर्ड, किसी भी कमांड को डिलीट या मतलब स्टॉप करने के लिए ट्रंक कीवर्ड होता है। तो ये ट्रंक क्या, अभी ये क्या काम कर रहा है कि ट्रंक डेसिमल को छोड़ रहा है, उतने डेसिमल को स्किप कर दे रहा है। तो राउंड के ये फंक्शन आप, इतने फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। देन आगे देखते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला होता था रेडियस निकालने के लिए, उसमें मास्टर बोलते थे पाई आर टू, पाई राखी दो, मतलब त्रिज्या आपके पास, रेडियस आपके पास सात होती थी और पाई आर टू करके आप वो फॉर्मूला बना देते। मान लीजिए यहां मेरे पास रेडियस सात है और उसका एरिया निकालना है मैंने, तो एरिया निकालने के लिए मुझे पाई चाहिए, तो पाई का मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है जी, पाई मल्टीप्लाइड बाय सेवन और पावर टू का मतलब सीधे ही सीधे आप दो बार कर दीजिए। ठीक है जी, तो कुछ यही रिजल्ट आता था आपके सामने। पर सेम फॉर्मेट आप चाह रहे हैं कि पावर कैसे लिखा जाएगा इसमें, तो पावर के लिए पावर का फॉर्मूला है आपके पास, नंबर और उसकी पावर क्या होगी, टू दे दी मैंने तो भी रिजल्ट आपका सेम आ गया। ठीक है जी, तो पाई और पावर, देन आपके पास कुछ नंबर्स हैं, रेंड बिटवीन क्या करता है, 10 से 90 जो भी मैंने लिया है यहाँ पे क्या है, ये लोएस्ट वैल्यू है और ये टॉपेस्ट वैल्यू है, इनके बीच के रैंडम नंबर जनरेट कराता है। ठीक है जी, मान लीजिए ये हो जाता है हमारा क्वांटिटी और रेट, हालांकि ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला है जो मल्टीप्लीकेशन ही करता है। यहां से मैंने ये किया, पहला नंबर सिलेक्ट किया, दूसरा नंबर सिलेक्ट किया, वापस में ये मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या करता हूं, मैं इसको सम कर देता हूं। ठीक है जी,
अब मैं ये चाहता हूँ ये जो सम करके निकाला है ना, तो मुझे ये सब ना करना पड़े, डायरेक्ट ही सम निकाल के दे दे, प्रोडक्ट का सम निकाल के दे दे। तो हमारे पास एक सम प्रोडक्ट का फंक्शन है, ठीक है जी, जिसमें आप पहला एरे चूज कीजिए कितनी क्वांटिटी है एक साथ, फिर कॉमा लगा कर दूसरा रेट किधर है एक साथ, आगे तीसरा भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप कॉमा लगा के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सम प्रोडक्ट क्या करेगा, इन एरो को आपस में मल्टीप्लाई करेगा और सम बता देगा आपको, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है जी। ये आपको मैं साइन कॉज वाले फंक्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये साइन कॉज ट्रिग्नोमेट्री ये सब अपने काम की है, ठीक है जी। कॉज को मैं कुछ वैल्यू देंगे तो वो कॉज ही निकाल के देगा, इसी तरह से आपका लॉग का है, ठीक है। आगे देखते हैं फंक्शन, एक मैंने मोड का फॉर्मूला यूज किया था। मोड का फॉर्मूला क्या होता है रिमाइंडर जानने के लिए, मान लीजिए यहां 14 है और मैंने इसे 6 से डिवाइड कर दिया, तो जो शेषफल होता है ना, रिमाइंडर, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, हिंदी में कहते हैं शेषफल, शेषफल अगर आपको निकालना हो तो 6 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और बचा क्या, रिमाइंडर 2। तो वो निकालने के लिए हम मॉड यूज करते हैं, एमओडी मॉड। इसमें आपको नंबर देना होता है और किससे डिवाइड कर रहे हैं वो देना होता है, ठीक है। तो ये आपको रिमाइंडर निकाल के बताता है मोड का कीवर्ड, ठीक है जी। देन कभी आपको निकालना हो स्क्वायर रूट, हमने किसका स्क्वायर रूट निकाला है, मोस्टली 16 का स्क्वायर रूट निकाला है, 4 ही आता है, SQRT करके स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल के देता है, ठीक है जी। इसमें सारे वो फंक्शंस हैं जो आपको एक कैलकुलेशन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है जी। देन आपका बचा सब टोटल, सब टोटल किस लिए यूज करते हैं हम लोग, मान लीजिए आपका एक डेटा बेस डेटा है, बहुत लंबा चौड़ा डेटा है, एक डेटा है सेल्स का या कोई भी डेटा हो सकता है जो मोस्टली आप लोग करते होंगे ऑफिस में, इसकी जरूरत पड़ती है। तो क्या करता है, करना पड़ता है कभी कभी हमें एक रिपोर्ट पे ये करना पड़ता है कि फिल्टर लगा के प्रिंट लेना होता है और उसके नीचे करना होता है टोटल, ठीक है जी। जैसे इसका फुल का टोटल अभी ये दिखा रहा है, मैं एक लाइन छोड़ के करता हूँ ताकि ये फिल्टर में इफेक्ट ना करे। मैं क्या करता हूँ सम का एक फॉर्मूला लगाता हूँ और यहां से पूरी वैल्यूज को ले लेता हूँ, तो अभी 19,569 कुछ दिखा रहा है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें जो है काली संदीप का मुझे दिखाए कि टोटल कितना है, किसी भी एक बंदे का, हरीश का ले लेते हैं, संदीप का ले लेते हैं। यहां से मैंने एक हरीश का फिल्टर कर लिया, मैं कहा हरीश की टोटल सेल कितनी हुई है। हम क्या करते हैं इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे जाके सम देखते हैं, ठीक है जी, क्योंकि सम का फॉर्मूला यहाँ तो असर कर नहीं रहा, ये तो पूरे का सम दिखा रहा है। तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं, रेंज वही रहने देता हूं मैं पुरानी वाली जो थी, सम की जगह सब टोटल लगा देता हूं, ठीक है जी। सम टोटल में रेंज से पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है आपका वो होता है फंक्शन नेम। इसमें आपके कई सारे फंक्शन खुल जाते हैं, एवरेज करना है, काउंट करना है, काउंटे करना है, मिनिमम मैक्सिमम और सम। तो सम के लिए 9 है यहां, ठीक है जी, इसको सिलेक्ट किया तो 9 आया। तो ये सब टोटल क्या करता है, जो भी आपका विजिबल डेटा होता है उसका टोटल निकाल के आपको दे देता है, ठीक है जी, चाहे एवरेज निकालनी तो विजिबल डेटा का। अब ये 3020 दिखा रहा है, इसको सिलेक्ट करके देखेंगे तो ये यहाँ पे 3020 ही है। मान लीजिए दूसरे बंदे का देखना है, किसी का महेश का देखना है, ओके, तो ये क्या करेगा, नीचे महेश का टोटल दिखाएगा,
ठीक है जी। तो अगर आपको कभी प्रिंट लेना हो तो आप इस मेथड से अपना एक ही बार फॉर्मेट करके बस फिल्टर लगा लगा के प्रिंट देते जाइए, बार बार उसको टोटल करना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ये था सब टोटल का फंक्शन। अब किसी कंडीशन पे मान लीजिए आपको यहां समरी बनानी है इन सब की, कि इनकी टोटल सेल कितनी है, यहां समरी बनानी है, जैसे पाइवट टेबल से हम निकालते हैं, तो हमें क्या करना है कि जहां जहां इन बंदों का नाम आ रहा है उनका टोटल कर, जैसे संदीप का हमने देखा कि प्रिंट निकालने में चाहता हूँ समरी ऐसी बना। तो एक कंडीशन हो गई हमारे पास कि जहां अपना ये वाला नाम हो उसका सारा टोटल दिखा दे। तो सम इफ का एक फंक्शन है अपने पास। सम इफ में पहली चीज होती है रेंज एंड देन क्राइटेरिया देन सम रेंज, तीन पैरामीटर ये लेता है। तो रेंज वो है जहां आप क्राइटेरिया देने वाले हैं। तो जैसे मैंने सिलेक्ट कर ली ये वाली पहली ए कॉलम सिलेक्ट कर लिया, रेंज कॉमा दिया, क्राइटेरिया क्या है मेरा, क्राइटेरिया ये नाम है, ठीक है जी। देन सम रेंज क्या है, मैंने कहा ये जो कि टोटल होनी है, ठीक है जी। सम रेंज का खास ख्याल रखेंगे कि जहां सम रेंज लिखा होगा वहीं सम रेंज देंगे, ठीक है जी। तो ये आ गई मेरी वैल्यू, और इस फॉर्मूला को ट्रैक करता हूं, सबकी अलग अलग टोटल आ गए, या नीचे टोटल देख लिया मैंने, ठीक है 19,500 कुछ, ठीक है जी, बन गई समरी एक सेकेंड में। तो मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि किसी बंदे की एक सिटी की सेल कितनी है, या ग्रेटर देन 50 कितनी है, इसमें एक सिटी और एंटर कर लेता हूं, और यहां आपके पास दो कंडीशन आ गई कि एक सिटी है उसकी सेल कितनी है, ठीक है, अलग अलग सिटी जो भी देना चाहूं मैं दे सकता। तो यहां पे तो दो कंडीशन हो गई मेरे पास। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए क्या है हमारे पास, सम इफ्स का फंक्शन, ठीक है जी। सम इफ्स में क्या देना होता है, सम रेंज हम पहले दे देते हैं, ठीक है जी, सम रेंज जहां लिखा होगा वहीं देना है आपको। इफ्स में पहले आती है, सम इफ में बाद में आती है। उसके बाद बोला है क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन जो मैं नेम के लिए लेना चाहता हूँ, तो पहली रेंज ये है जिसमें क्राइटेरिया कॉमा लगा क्राइटेरिया ये दूंगा। ये कह रहा है क्राइटेरिया टू रेंज, तो दूसरा क्राइटेरिया आप एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं, पहले क्राइटेरिया रेंज फिर क्राइटेरिया। मैंने सिटी वाला सिलेक्ट कर ली रेंज और सिटी यहां से दे दी, ठीक है जी, ये क्लोज करूंगा तो मेरे पास आ गया 322 पलवल में, ठीक है जी, यहाँ 24 दिखा रहा है। अगर मैं पलवल संदीप की पलवल अगर सिलेक्ट करूं तो यही आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां से संदीप सिलेक्ट किया, यहां से मैंने पलवल सिलेक्ट कर लिया 322, ठीक है जी। तो मल्टीपल कंडीशन कर सकते हैं। अब एक तीसरी कंडीशन इसी में ऐड कर देता हूं कि जहां ग्रेटर देन 50 हो केवल उसी को दिखाए, ठीक है जी, यहां वो ले लेता हूं कि संदीप की ग्रेटर देन 50 वाली। तो समीप्स में दो कंडीशन लगा रहा हूं इस बार भी मैं, सम रेंज पहले दे देनी है हमने, ठीक है जी, फिर क्राइटेरिया वन रेंज और क्राइटेरिया वन नेम ले लिया मैंने, फिर क्राइटेरिया टू जो है मेरा सेल्स पे ही अप्लाई हो रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 50 है, तो सेल्स ले ली, और क्राइटेरिया मैंने मैनुअली देना है, कोई भी कंडीशन देंगे वो इसमें देंगे टेक्स्ट पे, ठीक है जी, ग्रेटर देन 50 इस तरीके से देंगे, ठीक है जी, टेक्स्ट में देंगे इन्वर्टेड कॉमा तभी वर्क करेगा। तो 2024 बता रहा है, यानी कि संदीप की यहां से ले ली और सेल्स जो है ग्रेटर देन क्या है 50 है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 2024, ठीक है जी, जो कि एग्जैक्ट रिजल्ट है। तो आप इस तरह से सम इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे की क्लास फिर हम लोग कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है सर।